सिंपल सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. वी वुड बी गोइंग थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इजी पार्ट होता है व्हेन इट कम्स टू जेई मेन. ऑब्वियसली जेई एडवांस में इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है एंड काफी जगह यूज भी होता है. सबसे पहले लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन. चलो करो. एक मिनट. The first question of the day. We'll start now. A quadratic polynomial Px has 1 plus root 5 and 1 minus root 5 as roots and it satisfies P1 equal to 2. Find the polynomial. Everyone, एक quadratic polynomial है जिसके दो roots हैं और P1 की condition 2 दे रखी है. Find the polynomial. करो जल्दी से. सब लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस. आंसर आ जाता है चैट पे भेजो. बिल्कुल बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है. बहुत आराम से होना चाहिए सब लोगों से. इसके बाद एक और बेसिक सा, सबसे पहले दो बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स प्लस थ्री. फाइंड इक्वेशन. हाँ सही है बेटा. हूज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा. हाँ सही है बेटा. बाकी अभी तक किसी का सही नहीं है. हाँ टुडे इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर नंबर 1. सही आंसर करो सब लोग.
करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल अभी तक सही आंसर नहीं आया है, बहुत लोगों का सही आंसर नहीं आया है। अवनीश छोटा करेक्ट है। पहले वाला, पहला वाला तो करो, दूसरे वाले पे कहां से आ गए। पहला वाला सही करो। अभी तक मुझे सिर्फ दो लोगों का सही दिखा है एज ऑफ नाउ, आउट ऑफ द होल क्लास। करते हैं पहले, सबसे पहले पहला वाला करते हैं। लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। रूट्स, अगर रूट्स दिए हैं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो रूट्स से निकाली जा सकती है। व्हेन आई टॉक अबाउट द पॉलिनोमियल दैट कैन बी रिटन एज क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है कि कुछ मिसिंग है इसमें? दिस इज द पॉलिनोमियल ए टाइम्स, दिस इज द पॉलिनोमियल ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अगर नोटिस करोगे तो टू दिख रहा है मुझको, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मुझको -4 दिख रहा है। एम आई राइट? तो ये मेरा पी एक्स बना। मेरे यहां इसमें मिसिंग क्या है? ए मिसिंग है। हाउ वी विल फाइंड ए? ए फाइंड करने के लिए आई हैव टू यूज P1 इज इक्वल टू 2। तो मैं सीधे सीधे वन माइनस टू माइनस फोर इंप्लाइज ए इज इक्वल टू -2/5। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा -2/5 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2x -4। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं, माई फाइनल आंसर वुड बी -2/5 टाइम्स एक्स स्क्वायर -2x -4। ठीक है, कितने लोगों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड। ओके, ऑलमोस्ट 8, बाकी सबका गलत आया था। तो पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे हो जाना चाहिए था। यस, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर बेटा तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की कोशिश की, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड अ इक्वेशन,
अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? सेकेंड वाला ऑलमोस्ट सबका सही है। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 24 इक्वल टू जीरो। क्यों? सीधे सीधे अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाऊं तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, माइनस रूट टू, अल्फा बीटा निकालूंगा थ्री, और फिर इनकी वैल्यूज निकाल के वही अगेन वी विल ट्राई द होल दिस थिंग, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो। ये कैसे निकालेंगे? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है कि ये कैसे निकालेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो शायद ये निकलता है माइनस फोर, और टू अल्फा बीटा निकलता है टू अल्फा बीटा निकलता है सिक्स ना। ठीक है, अब इनका सम ऑफ रूट, अब इन दोनों का सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे क्योंकि दीज आर द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम विच इज टू प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट विच इज माइनस 24 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही बेसिक सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चल के डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन, शैल वी? यस। क्वेश्चन, फाइंड फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू, बीटा अपॉन बीटा माइनस टू, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, मुझे अल्फा एंड एक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये है, प्रोवाइडेड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। करो, अल्फा अपॉन अल्फा माइनस टू, बीटा अपॉन बीटा माइनस टू। तो इन बेटा आंसर गलत है, सही करो। मतलब
मुझको कुछ भी आंसर देने से पहले एवरीवन अपने लेवल पे डबल चेक ट्रिपल चेक किया करो, उसके बाद आंसर दिया करो। हाँ मानो सही है, रमेश्वर सही है बेटा, बाकी लोग भी करो। अभी सही आंसर आ रहे हैं, स्वप्निल, आयुष, शुभम, ऑल करेक्ट। सागर रॉन्ग, सही आंसर लाओ। आंसर इज x² - 4x -1=0। रिपीट कर रहा हूं, x² - 4x - 1=0। ठीक है, इसका सिंपल सा मेथड होता है, जब भी रूट्स सिमेट्री में चेंज हो रहे हो, वेन एवर रूट्स आर चेंजिंग इन द सिमेट्री, तो लेट मी डू वन थिंग। यही तो x की वैल्यू है ना, ठीक है, अल्फा। तो मुझे बताओ अल्फा की क्या वैल्यू होगी, अल्फा इज इक्वल टू x α - 2α। सही लिखा है, नहीं गलत लिखा है, x α - 2x। इसको इधर भेजा, 1 - x = -2x, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2x / x - 1। अल्फा की वैल्यू आ गई 2x / x - 1। अब क्या करो, इस अल्फा को वापस इसमें पुट कर दो। देखो ये एक्चुअली इसके रूट्स अल्फा बीटा थे, इसका मतलब α² - 3α + 1=0 होगा। क्यों? क्योंकि रूट्स सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो व्हेन आई पुट माय अल्फा बैक इनटू दिस, आई गॉट माय आंसर। उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, बट स्टिल मेरे लिए द मैथ्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी इस पार्ट पे डन हो जाती है, रेस्ट एवरीथिंग इज बेसिक मैथ्स। एलसीएम लेके रीअरेंज करके करोगे, यू विल गेट द आंसर x² - 4x - 1=0। ठीक है, यही मेथड करोगे, किसी ने कुछ और मेथड से किया है तो चेंज इट, डू इट यूजिंग दिस मेथड। जब भी कॉम्प्लिकेटेड रूट्स होंगे, मतलब इजी रूट्स नहीं होंगे, तो यू विल यूज दिस मेथड ओनली। ठीक है, जब भी रूट सिमेट्री में होंगे तो ये मेथड यूज होगा, अगर रूट सिमेट्री में नहीं है तो अपना बिल्कुल बेसिक वाला मेथड यूज होगा। ठीक है, आगे करें। ठीक है, सीधे सीधे इसको एक्स कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा की वैल्यू निकाल दोगे, अल्फा की वैल्यू कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है everyone, please write it down, then we'll move to the next question. Mm.
देन नेक्स्ट कौन सा करें? सो वी विल गेट द आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. अल्फा एंड बीटा को अलग अलग नहीं करना है, वी हैव टू डू इट ईदर फॉर अल्फा और बीटा बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ If alpha beta are roots of this, find इसका आंसर निकालोगे सब लोग. Everyone, you have to find the total answer for this question. पिछले वाले में अगर किसी को ये नहीं समझ में आया, मैंने इसको x क्यों लिया, क्योंकि x की ही तो वैल्यू रूट्स की होती है, तो इस वजह से मैंने इसको x लिया है. दीज आर द रूट्स एंड रूट्स आर व्हाट द वैल्यू ऑफ x, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नाउ डू दिस. Let alpha and beta are the roots of this equation. We have to find the value of ठीक है, फाइनल आंसर तक निकालो सब लोग, सॉल्व करके देना इसको. ठीक है, देखने में चाहे जैसा लगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. करो इसको सॉल्व करके आंसर दो मुझको. ठीक आया, ओके आना शुरू हो गए आंसर. करेक्ट आंसर आ रहे हैं.
ठीक है, जिस सब लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, जिन्होंने जिनका हो गया लेकिन कमी लोग का हुआ है, वेट, आंसर है जीरो। इस ये देखने में भले ही जैसे लगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके, ओपन करके सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, तो ये बन जाएगी 3x² - 8x + 1 = 0, यानी अल्फा प्लस बीटा इज 8/3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3। सिर्फ ओपन करके रीअरेंज करके लिखना है, नथिंग एल्स। अब इनकी वैल्यूज 1/, ये पहला वाला है अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सिमिलरली दूसरा है अल्फा बीटा माइनस 2α + β + 4, एंड तीसरा है अल्फा बीटा माइनस 3α + β + 9। सब जगह वैल्यूज पुट कर दोगे, जैसे वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आता है 1/4 - 1 + 3/4, विच विल गिव मी द आंसर एज 0। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट? हस्तांश कुछ डाउट है बेटा? ओके, ग्रेट, ठीक है, आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आयुष बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाई ए क्यों किया है? ये तो बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c होती है, तो ए तो रहना ही चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल में वो उस ए की इंपॉर्टेंस होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्विंग वाली चीज है। लेट पी एंड क्यू बी रूट्स ऑफ mx² + x (2 - m) + 3 = 0। ठीक है, ये क्लियर है? हाँ। लेट m1 and m2 बी टू वैल्यूज ऑफ m सेटिस्फाइंग, 1 बजे तक आज का लेक्चर है, सेटिस्फाइंग p/q + q/p = 3। फाइंड m1/m2² + m2/m1² ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं, लग जाओ। लेट पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ mx² + x (2 - m) + 3 = 0। m1 and m2 be two values of m satisfying p/q + q/p = 2/3। फाइंड m1/m2² + m2/m1² इसको सॉल्व करो।
इसकी वैल्यू निकालनी है, करो। मैथ्स में काफी बार तुम लोग लंबा कैलकुलेशन होता है तो आंसर गलत करके आते हो, सो प्लीज मेक श्योर कि इसका आंसर गलत ना हो। द क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, मतलब एक दो तीन स्टेप्स का क्वेश्चन है, सो वो तीनों के तीनों स्टेप्स तुम सही करोगे तभी आंसर सही आएगा, ठीक है? करो। नहीं आयुष, प्रॉपरली सही करो। बस सुबह उठना पड़ गया, कल रात एक बर्थडे पार्टी में गया था यार, बहुत बहुत परेशान हो गया वहां पे, अजीबो गरीब बच्चे बच्चे पता नहीं क्या क्या बना के लाए थे। हाँ मिलोनी सही है, अभी भी नींद नहीं खुली है। बाकी लोग भी आंसर लाओ। शामनी गुड, द आंसर इज, सिंपल सा आंसर है 99, द आंसर इज 99। Yes. 99 है आंसर, आंसर लाने की कोशिश करो सब लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। काफी लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक्स की हैं, 511 by 64 आ रहा है, 6631 by 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। किसका किसका 91 आ गया, रेज योर हैंड। 91 सॉरी 91 नहीं, हाँ 99 क्या बोल दिया मैंने, 99। ओके, 8, 7, 8, 10, मतलब 7 से 10 ही लोग आ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा है कि मेथड ही नहीं पता, ओके। ओके, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं। सबसे पहले जो बोल रखा है पी प्लस क्यू एंड पी क्यू, क्योंकि एम माइनस टू बाय एम,
and PQ is equal to 3 by m. This should be your first step. Very clear. ठीक है, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है. अच्छा, m are the roots of, m किस equation के roots हैं? P by Q plus Q by P equal to 2 by 3. ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिखा है तो P square plus Q square is equal to 2 by 3. PQ, am I right? मैंने कोई वैल्यू गलत दी थी क्या? मैंने कोई वैल्यू गलत दे दी थी क्या? तो फिर लोगों का आंसर सही कैसे आया? एक मिनट, हाँ मैंने तो वैल्यू गलत दे दी थी, फिर लोगों का आंसर कैसे सही आया? कुछ लोग तो मुझे आंसर भी सही दे रहे हैं. मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 by 3 है और मैंने शायद 3 दे दिया था गलती से. चलो 3 लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है. लेट्स ट्राई ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग 3. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग 3. ठीक है, देखते हैं. P by Q plus Q by P is equal to 3. ठीक है, P square plus Q square is equal to 3PQ. P square plus Q square क्या बने, क्या बनेगा? P plus Q का whole square minus 2PQ is equal to 3PQ. सही लिखा है मैंने? ये Q होगा. तो P plus Q का होल स्क्वायर M minus 2 by M का होल स्क्वायर is equal to 5 times सही लिखा है. इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो यहां तक सब लोगों से हो गया होगा. इसको ओपन करोगे तो M स्क्वायर minus 4m plus 4 is equal to 15m. Am I right? एक m square, एक m cancel होगा. तो m square minus 19m plus 4 equal to 0. ये quadratic equation बनेगी. m square minus 19m plus 4 equal to 0. अब इसको आगे अगर मैं सॉम, अब मुझे निकालना क्या है? इसी के roots तो m1 and m2 होंगे. M1 by M2 square plus M2 by M1 square. मैंने आराम से LCM ले लिया. तो M1 M2 का whole square M1 cube plus M2 cube. M1 cube plus M2 cube को अगर मैं और simplify करने जाऊं तो this is like M1 plus M2 का whole cube minus 3 M1 M2. M1 plus M2 बहुत सारे हैं. mm आ गए हैं. m1 m2 का होल स्क्वायर. अब बस यहां पे मुझको वैल्यूज पुट करनी है किसकी. हाँ, वैल्यू अजीब आ सकती है क्योंकि मैंने क्वेश्चन में एक गलती से कुछ अलग लिख दिया था, लेकिन उसी को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं जो क्वेश्चन में लिखा था. m1 प्लस m2 क्या बनेगा? 19 क्यूब माइनस 3 एम वन एम टू इंटू 4 इंटू 19 होल अपॉन एम वन एम टू क्या है? 4 होल अपॉन 16. तो
मैं एक मिनट वैल्यू निकाल ही देता हूँ, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा. 19 × 19 × 19 6859 माइनस 12 × 19 228/16 6859 सब्ट्रैक्शन के लिए भी कैलकुलेटर यूज. ये आंसर आ रहा है 6631/16 6631/16 414.5. मतलब ये किसी जिसका जिसका ये आ रहा था वो हैंड रेस करना जरा. ओके, मे बी मैंने किसी को ये आंसर पे गलत भी बोल दिया हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो ठीक है. सो दिस इज द मेथड. मैंने पूरा सॉल्व भी इस वजह से किया है कि मेथड भी समझ में आ जाए सब लोगों को. तो दिस इज द ओवरऑल मेथड. ठीक है, ये क्लियर है, आगे करें. यस, ठीक है. सो डू इट लाइक दिस. PQ की इक्वेशन जिसके M1 M2 रूट्स हैं और M1 M2 के बारे में पूछा गया है. तो टू स्टेप प्रोसेस हो गया ये, जो कि अभी तक हम वन स्टेप प्रोसेस कर रहे थे. लेट्स मूव फर्दर. मेरा क्वेश्चन इफ P Q R S belongs to R, P Q R S belongs to R and alpha beta are roots of x square plus p x plus q equal to 0. एंड अल्फा. हाँ, सब लोग कल आप लोगों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट होगा, वही टुमारो 12 to night 12. एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू जीरो. ठीक है, देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जीरो. हाँ, जिनको भी टेस्ट देने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, गौरव सर या आतिश सर को मैसेज करें. देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्यू एक्स प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू जीरो हैज ऑप्शंस है टू रियल रूट्स. मतलब इनके रियल रूट्स हैं टू रियल रूट्स, बी इमेजिनरी रूट्स, सी रियल एंड इक्वल, डी रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है, यही चार ऑप्शंस होते हैं. ट्राई करो इसको. PQRS belongs to real number and alpha beta are the roots of x square. मैं equation भी देख लेता हूँ. x square plus px plus q equal to 0 and alpha की power 4 beta की power 4 are the roots of x square minus RS
Rx plus s is equal to 0, then x square minus 4qx plus 2q square प्रोवाइडेड ये सब बिलोंग्स टू आर एंड ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर सब जीरो हो गए तो सब चीजें उड़ जाती हैं, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल. हाँ मैं करेक्ट है बेटा. बाकी लोग भी आंसर लाओ. का गलत आ रहा है बेटा. ध्यान से दो, ध्यान से आंसर, आंसर गलत नहीं आना चाहिए. पहला आंसर ही सही आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर मैं सही करा रहा हूं तो वो फिर वो मजा नहीं है. बहुत लोगों का सी आ रहा है रियल एंड इक्वल. शामनी बेटा ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा सा और सोचो. सही है सब कुछ, और सोचो. बाकी लोग भी आंसर दो. इतनी क्लास है उसमें से आंसर 6-7 ही लोग देते हैं. All I need to look after is, कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा. इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं. 16q square minus 4 टू क्यू स्क्वायर माइनस आर. ठीक है, तो ये आएगा शायद 4 times टू क्यू स्क्वायर प्लस आर. 4 times टू क्यू स्क्वायर प्लस आर, सबका यही आया. तो अब मुझे देखना है इसके बारे में 2q स्क्वायर प्लस r. अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है. क्यों? क्योंकि q स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, r कैन बी पॉजिटिव, r कैन बी निगेटिव. तो अब इसमें उसकी ऊपर वाली इक्वेशन यूज करते हैं. ऊपर वाली क्या इक्वेशन है, वैल्यूज क्या बोलती है. ठीक है, क्यू के बारे में कुछ बोला है और आर के बारे में कुछ बोला है. R की वैल्यू क्या है, एनीवन? अगर मैं ऊपर से देखूं, बिल्कुल ऊपर वाली इक्वेशन से, मतलब अल्फा की पावर 4 कॉमा बीटा की पावर 4 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस वाले से, तो R की वैल्यू है ठीक है.
और क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है अल्फा बीटा, बस यहां तक नोटिस कर लिया, तो क्यू स्क्वायर मतलब 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, एम आई राइट? एम आई राइट? ये सही लिखा है मैंने? अब इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? ऑलवेज पॉजिटिव होगा? कैन आई से दिस वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव? अभी इस स्टेप पे नहीं बोल सकता हूं एवरीवन, इसमें इस स्टेप पे मैं नहीं बोल सकता हूं, क्यों? व्हाई कांट आई से दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एट दिस स्टेप? जिन्होंने भी इस स्टेप पे बोल दिया है इट इज पॉजिटिव वो गलत है. व्हाई? टेल मी व्हाई. नहीं अभी यहां आई कैन नॉट से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. व्हाई? नहीं नहीं कंप्रेस होने के बाद भी नहीं कह सकते. चलो जो लोग कंप्रेस होने के बाद भी बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉजिटिव. पी क्यू आर एस रियल नंबर है. अल्फा बीटा कैन बी इमेजिनरी नंबर. अल्फा एंड बीटा कैन बी इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर कब से पॉजिटिव होने लग गया, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होने लग गया? दे कैन हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स. ठीक है, इसको मुझको वापस आई हैव टू कन्वर्ट दीज बैक इन टू माई पी एंड क्यू. जब मैं इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिखूंगा, अब यहां पे मैं वापस अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, कोई हेलीकॉप्टर निकला, ठीक है, अब मैं इसको वापस जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस पी ना, तो पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू. अब मैं इसके बारे में बोल सकता हूं दिस वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्योंकि ये रियल नंबर है. आई नो अबाउट पी क्यू. पी क्यू आर द रियल नंबर. अल्फा एंड बीटा कैन बी इमेजिनरी नंबर. ठीक है, तो यहां पे बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वाली चीज ऑब्वियसली क्वेश्चन घुमाना चाहते तो घुमा सकते थे, वो उनकी मर्जी है. बट पी क्यू आर एस रियल नंबर लिया है, इस वजह से मुझे चेक करने के लिए भी इन द एंड आंसर में डिटरमिनेंट पी क्यू आर एस के फॉर्म में ही चाहिए. किसी और फॉर्म में होगा तो ये नहीं बनेगा. ठीक है, ओपन करके देखोगे तो इसकी वैल्यू जीरो भी नहीं आ सकती. थोड़ा सा मैंने स्प्लिट करके छोटे फॉर्म में लिख दिया है.
you can open this and check ki this value can never be zero as well. Theek hai? आगे करते हैं. नेक्स्ट करें. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूज रूट्स हूज वन रूट इज Find quadratic equation whose one root is. Cot square 18 degree. Find quadratic equation having rational coefficients. Find quadratic equation having rational coefficients whose one root is cot square 18 degree. Karo. रैशनल कोएफिशिएंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैंने रैशनल कोएफिशिएंट ना दिया हो तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता है. पूछूंगा मैं, सोचना क्यों इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन सॉल्व करो. पानी पीता हूं तब तक.
देखें कितने लोगों ने आंसर दिया। ऑब्वियसली या तो आपको कॉट 18 की वैल्यू पता है, नहीं तो कॉट 18 की वैल्यू निकालना पता होना चाहिए। कॉट 18 की वैल्यू कॉस 36 के टर्म्स में निकल सकती है, कॉस 36 के टर्म्स में कैसे निकलेगी? बेसिकली क्वेश्चन उसी का था। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों की ओवर हो गई है, उसके ऊपर टेस्ट भी हो गए हैं, तो बेसिकली अब मैं एक्सपेक्ट करता था कि सबको वैल्यू निकालना पता हो। कॉट स्क्वायर 18, 1 प्लस कॉस 36 अपॉन 1 माइनस कॉस 36 होगा, ठीक है। टेन टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। और कॉस 36 की वैल्यू होती है रूट 5 प्लस 1 होल बाय 4, तो 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 होल बाय 4 अपॉन 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 होल बाय 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके करूंगा, सबको ओपन किया, एलसीएम लिया, ओपन किया, रैशनलाइज किया, इन द एंड आंसर आता है 5 प्लस 2 रूट 5, एम आई राइट? ठीक है, कुछ भी करो, मुझे कॉट स्क्वायर 18 की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। आई डोंट केयर तुमने ये फॉर्मूला यूज किया है, साइन कॉस यूज किया है, वॉट एवर, तुम्हें कॉट स्क्वायर 18 की ये वैल्यू आनी चाहिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट आता है रैशनल कोएफिशिएंट वाली चीज, इसका रूट इरैशनल आ रहा है, तो अगर किसी भी रैशनल कोएफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इरैशनल आते हैं तो उसकी का दूसरा रूट क्या होगा? अगर ये अल्फा है तो ये, बस अब इसको यूज करते हुए मैं सीधे सीधे इक्वेशन अपनी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? रैशनल कोएफिशिएंट होने की वजह से ही ये दोनों रूट्स हम गेस कर सकते हैं, अदरवाइज किसी भी केस में हम ये दोनों रूट्स गेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे करें, शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? एक क्वेश्चन करके ब्रेक लेंगे। किया जाए, करते हैं, चलो। फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए If x minus a x minus 10 plus 1 is equal to x plus alpha
एक्स प्लस बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आई. रिपीट कर रहा हूं, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इफ दिस इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू ए. ठीक है, करो. ट्राई करो. आई गेस एक मिनट मुझे टाइम टेबल देखने दो जिस किस तरह का मैंने वो किया था. क्वाड्रेटिक इसके लिए चार लेक्चर सर एक हो गया दो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस कंप्लीट होगी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू होगा. सो सीक्वेंस सीरीज की भी आप एपी जीपी एचपी तक की थ्योरी रिवाइज करके आओगे बाय नेक्स्ट क्लास. हाँ हस्तांश हर्ष सही है बेटा, हस्तांश सही है. बाकी लोग आंसर करो. बाकी लोग से हो रहा है नहीं हो रहा है? ओके हाँ एक मिनट है. मानो अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में कैसे आएगा? मानो ऐसा स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछा करो ना बेटा. अल्फा बीटा के टर्म्स में आ रहा होता तो मैं ओपन करके कर देता ना. द आंसर इज 12 और 8, 12, 8. द आंसर इज 12, 8. क्या किया? देखो अच्छी बात है कि इंटीजर इंटीजर की बात की जा रही है, इंटीजर इंटीजर. तो सबसे पहले तो मैं ए में एक इक्वेशन निकालूं. व्हाट इज द वेरिएबल हेयर? व्हाट आर द वेरिएबल्स हेयर? व्हाट आर द वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन इक्वेशन? द वेरिएबल इज एक्स. ए इज नॉट द वेरिएबल, ए तो मुझको निकालना है. द वेरिएबल इज एक्स. ठीक है, तो मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं. दिस इज एन आइडेंटिटी. तो ऐसी एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बन जाए?
अगर मैंने x की वैल्यू माइनस अल्फा पुट की, x की वैल्यू माइनस अल्फा पुट की, तो नोटिस करो क्या बनेगा, माइनस अल्फा माइनस है, माइनस अल्फा माइनस 10, जीरो। सही सही होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया अभी समझ में आ जाएगा, मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूं। अल्फा प्लस ए, अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। मुझको बताओ अल्फा प्लस 10 इंटीजर होगा कि नहीं होगा, विल इट बी आ इंटीजर? अल्फा प्लस ए इंटीजर होगा, इट वुड बी इंटीजर। दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस वन कब होता है? टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड एंड दे आर गिविंग मी माइनस वन, व्हेन, व्हेन दे आर वन एंड माइनस वन, और कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, जो लोग नेगेटिव रेसिप्रोकल बोल रहे हैं टोटली गलत बोल रहे हैं, फिर रेसिप्रोकल जो बोल रहे हैं गलत है। दो इंटीजर का प्रोडक्ट माइनस वन तब होगा जब एक वन होगा और एक माइनस वन होगा, दैट्स इट, आई एम डन। ये चीज पॉसिबल तभी है जब एक वन होगा और एक माइनस वन होगा। तो लेट मी टेक टू केसेस। पहले केस में तो इससे अल्फा की वैल्यू शायद आई माइनस 11, और यहां पे वापस पुट कर दिया तो ए की वैल्यू आई 12। एंड दूसरा केस में तो अल्फा की वैल्यू आई माइनस 9, पुट कर दिया तो ए की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, गॉट इट? किसी ने कुछ और मेथड से भी किया हो तो इट्स टोटली ओके, मतलब कुछ गलत नहीं है, अलग अलग मेथड है। मुझको ये मेथड आता था तो मैंने ये बताया, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आंसर आ सकता है, कंपेयर करके भी, कुछ और पुट करके भी, दे आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर टिल दिस पार्ट? ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करके ब्रेक लेते हैं, बहुत बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन रूट वाला, ठीक है। हमें बेटा रेसिप्रोकल वाली चीज क्यों गलत है, खुद दिमाग लगाओ ना। 2n, 2 का रेसिप्रोकल माइनस हाफ, वो इंटीजर होगा? फाइंड p इफ, हाँ तो बेटा गॉट इट बोल रहे हो, ये पहले खुद ही दिमाग लगाया करो ना, सिली क्वेश्चंस मत पूछा करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछा करो। फाइंड पी इफ 3x² - 2x + p। एवरीवन, सबके लिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले पहले खुद फाइट मारो उसके ऊपर, दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है तुम्हारे लेवल पे। फाइंड पी इफ दिस एंड 6x² - 17x + 12 = 0 हैव अ कॉमन रूट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पर ब्रेक लेंगे, जल्दी से आंसर मुझको बता दो। फाइंड पी इफ दीज हैव अ कॉमन रूट।
आराध्या सॉल्व करो पहले ही, ना बोलो कि सर कैलकुलेशन लंबा है ना, व्हाट इज दिस, मतलब व्हाट सर कैलकुलेशन लंबा है तो मैं क्या करूं बेटा, सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर दो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ठीक है। मानो नहीं, हाँ जल्दी बोला है तो जल्दी का मतलब ऐसा थोड़ी है कि सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर दो मुझको, ठीक है। एवरीवन चलो टेक योर टाइम, 15 मिनट है, 15 मिनट में आंसर दो, ठीक है। एक मिनट आंसर दो। कॉमन रूट वाला, कॉमन रूट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते थे, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, तो 3α² लेट द कॉमन रूट बी अल्फा, तो 3α² माइनस 2α प्लस पी इक्वल टू 0, 6α² माइनस 17α, बस मैं स्टेप लिख दे रहा हूं, पूरा सॉल्व अभी नहीं कर रहा। अब इन दोनों को यूज करके अल्फा निकालते हैं, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट, तो आई गेस चलो इसको नीचे लिख देता हूं, सब्ट्रैक्शन 6α² सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 15α, नहीं 15 कैसे आ गया, माइनस 13α सेवेंटीन माइनस 4 माइनस 13α प्लस 12 माइनस 2p इक्वल टू 0, तो अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस 2p बाय 2, सही लिखा है अल्फा। अब इस अल्फा को पहली वाली इक्वेशन में डाल दो या दूसरी वाली में डाल दो, किसी में भी डाल दो, यू विल गेट पी, दैट्स इट। पी में एक क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 मिनट है, गेट मी पी, करेक्ट पी सुयाश, करेक्ट पी, गलत नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। आंसर है माइनस 15/4 एंड माइनस 8/3, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेथड, ये क्वेश्चन सिंपल था, तो इसमें एक और मेथड एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने उस मेथड से नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि वो मेथड कुछ लिमिटेड क्वेश्चन में ही एग्जिस्ट करेगा। जो दूसरा मेथड था इसको निकालने का, जो मेथड 2, उसमें यहां से मैं अल्फा की वैल्यूज ही निकाल सकता था, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी पी नहीं है, अल्फा की वैल्यूज निकाल के वापस ऊपर पुट कर सकता था तो पी निकल जाता, दैट वाज सेकंड मेथड। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें ऊपर वाली भी इक्वेशन में पी आएगा एंड नीचे वाली इक्वेशन में भी पी आएगा, तो दोनों में पी आएगा, तो यू कैन नॉट यूज, यू कैन नॉट फाइंड आउट द रूट्स, ठीक है। सो दिस वाज अ टोटल मेथड जिसके थ्रू हम करते हैं, तो जो इसका आंसर है
P is equal to minus 15 by 4, comma minus 8 by 3. Got it? यहां तक क्लियर है? सॉरी ठीक है. क्वेश्चन का ये सबसे नोन मेथड है कि अल्फा पुट करके सब्ट्रैक्ट करके अल्फा की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ पी एंड पुट इट बैक इनटू एनी ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. चलो 10 मिनट का ब्रेक है गाइस, 5 मिनट का नहीं, इट्स अ 10 मिनट्स ब्रेक. 12 हो रहा है, जस्ट 12:10 पे मिलते हैं.
सबसे पहले दो सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. एक ग्राफ बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्राफ बनाना है सबको, और एक में ए बी सी डी का साइन बताना है. ठीक है, मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें ए बी सी डी का साइन बताना है. तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन करने के बाद थोड़े से बेसिक, ये दीज आर टू बेसिक क्वेश्चन. I'm audible, right? Y is equal to minus x square plus 3x minus 2. ये मेरा पहला क्वेश्चन है. Okay. Y is equal to minus x square plus 3x minus 2. This is my first question. And my second question is, find sine of A, B, C, D in this graph. Quadratic equation ka graph hai. ठीक है, दोनों करो जल्दी से, फिर आगे करते हैं. रिवाइज किया होगा तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे. सब लोग बना लो, उसके बाद जब मैं बना दूंगा तो जस्ट कंफर्म कर लेना कि सही है कि गलत है. जैसे सबसे पहले मैं ग्राफ बना देता हूं. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखने के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखने के लिए उसका ए एंड डी देखना बहुत जरूरी है. तो मैं इसका, मुझे इसका ए एंड डी के बारे में आइडिया है, किसका ए और डी. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लोगे. बी स्क्वायर नाइन माइनस इंटू वन इंटू टू, तो वन आ रहा है ना, यानी कि पॉजिटिव. यानी इसका ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड एंड कटिंग द एक्स एक्सिस बनेगा. तो अब इसका हाईएस्ट पॉइंट निकाल लोगे. सबसे पहले हाईएस्ट पॉइंट माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए. क्या निकलता है माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए? माइनस बी बाई टू ए
थ्री बाई टू निकलेगा और वन बाई फोर निकलेगा, थ्री बाई टू एंड वन बाई फोर, थ्री बाई टू यहां कहीं होगा और वन बाई फोर यहां कहीं होगा, और इसका c माइनस टू है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा इसका, मैंने थोड़ा सा क्योंकि ये माइनस टू हो गया, और इसके रूट्स, रूट्स भी निकाल लोगे, रूट्स कैसे निकालोगे, इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो शायद रूट्स वन एंड टू निकलते हैं, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, थ्री बाई टू कॉमा वन बाई फोर, ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं था, ये वाला पॉइंट था माइनस टू, ठीक है, तो ये जिसने जिसने ग्राफ बनाया है उनका सही है, ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं बताया है ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ की थ्योरी में मैंने बताया था, दूसरे उसमें मुझको देख के ही मुझको ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव दिख जा रहा है, और सी निगेटिव दिख जा रहा है, ग्राफ को देख के ए डी एंड सी की वैल्यू कोई भी बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू बचती है, ये पॉइंट होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस बी बाई टू ए निगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, यानी बी बाई टू ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो बी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसको निकालने का, नेक्स्ट करें, शैल वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेट, हाँ श्रीधर बेटा कोई डाउट है पूछो, क्वेश्चन, फाइंड ए सच दैट fx is equal to a plus 1 x square, बेटा हर क्वेश्चन के दो मेथड थोड़ी बताऊंगा बेटा, रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन में एक शेड्यूल, एवरीवन लिसन, वी आर डूइंग रिवीजन, तो रिवीजन में वी हैव टू मेंटेन सम स्पीड, नहीं तो मतलब वन एंड हाफ लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई अवॉइड गिविंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस जो तुम लोग पूछते हो, क्योंकि अगर मैं सब उतने उसके ऊपर फोकस करने लग गया तो फिर रिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है श्रीधर, मतलब हर क्वेश्चन का दो मेथड या उस वाले भी क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड क्यों बताऊं जब मैंने एक इंपॉर्टेंट मेथड बता दिया, फॉलो दैट ना, fx is equal to a plus 1, तो in case I am not replying to your chat, तो इसका मतलब I don't want to, सीधी सी बात है, be very clear, ठीक है, बहुत सारे message आया करते हैं line by line, so I avoid giving answers to all the questions, जो मुझे जरूरी लगता है that I want you to know, उसका मैं answer देता हूं, बाकी कोई ऐसी चीज जो तुम खुद से निकाल सकते हो उसका भी मैं आंसर अवॉइड करता हूं, फाइंड ए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस फोर ए इज निगेटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स, नहीं श्रीधर बेटा सॉरी की कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं, मतलब दिस इज जस्ट दैट, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड वी हैव अराउंड मतलब
we have till December to complete the syllabus. अगर syllabus complete करना है तो speed यही रखनी होगी. Already maths की 3 class हो रही हैं. 3 से ज़्यादा मैं ले भी नहीं सकता और ना होनी भी चाहिए, नहीं तो फिर वो तो पूरा वही हो गया ना कि regular class होगी. Regular class and revision में there should be some difference between those. ठीक है, हाँ करो. Find a such that fx is negative for at least one real x. आंसर बताओ इसका. करो सब लोग, क्योंकि अभी इसके ऊपर इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस तो करने हैं, उसके बाद आज की क्लास ओवर करेंगे. क्वाड्रेटिक आज कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में आई गेस इनिशियली हाफ क्वाड्रेटिक होगा और रेस्ट हाफ वी विल फोकस ऑन क्या कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज. अगर आप लोगों के पास टाइम है तो सीक्वेंस सीरीज के मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स देख सकते हो, बट ऑब्वियसली टाइम होना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आई डोंट नो कितना टाइम है. देयर आर अराउंड 4 to 5 लेक्चर्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज. मैं उसको अपलोड कर दूंगा सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है, सेम चैनल पे अपलोड कर दूंगा. जिसको भी चैनल का वो नहीं है, आतिश सर या गौरव सर को मैसेज कर दो, तुम्हारे ग्रुप पे डाल भी दिया जाएगा. मैं ग्रुप पे भी डलवा दूंगा, ठीक है. तो फॉर आई हैव माय ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एज ऑफ नाउ. आंसर बताओ ए का. अभी तक किसी का ए का सही आंसर नहीं दिखा है मुझको एज ऑफ नाउ. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए? ऑब्वियसली एक वैल्यू नहीं आएगी, देयर वुड बी अ रेंज. व्हेन आई से रेंज, रेंज मींस बड़ी खूब सारी वैल्यूज, ठीक है. दिमाग लगाओ. अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं आया. नो. कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है. आंसर है a लेस देन 0, माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0.
द आंसर इज, दिस इज द आंसर, ठीक है। करे शेल वी, किसी का आया ये माइनस इंफिनिटी से जीरो, एनीवन? अच्छी खासी क्लास है, भरी क्लास है, किसी का तो आया होगा। ओके ठीक है, करते हैं। काफी लोग इसको डी लेस देन जीरो से कर रहे हैं, आई गेस। काफी लोग इसको डी ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसका रूट डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो उसके रूट्स एग्जिस्ट किए, रूट एग्जिस्ट किए तो उसको एक्स एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि उसकी वैल्यू वाई की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, बट वैसे नहीं होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एफ एक्स, जो मुझको देखने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, जो मुझको देखने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है तो क्या बोला जाता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में? दिस इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ओपनिंग डाउनवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कभी निगेटिव बनेगी? ओपनिंग डाउनवर्ड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कभी निगेटिव बनेगी? 100% बनेगी, 100% कभी ना कभी तो बनेगी ही। तो जब भी a प्लस वन लेस देन जीरो हो, और कोई कंडीशन ही नहीं, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला हमेशा किसी ना किसी पॉइंट पे निगेटिव तो जाएगा ही जाएगा, माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और माइनस इंफिनिटी पे खत्म होता है, ठीक है, इन माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो मुझे जब भी a लेस देन जीरो है तो मुझे कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव हो रही है, दैट्स इट, ऑल आई केयर अबाउट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, बाकी सब गया भाड़ में, ठीक है। तो a प्लस वन लेस देन जीरो, इसका मतलब a लेस देन माइनस वन, ये मेरा आंसर का पार्ट तो है, एम आई राइट? दिस इज 100% पार्ट ऑफ माई आंसर, यस। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तब ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी वाई की वैल्यू नीचे आएगी निगेटिव, यानी इसका डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर एफ एक्स में ए प्लस वन ग्रेटर देन जीरो है तो उसका डी पॉजिटिव होना चाहिए। ए प्लस वन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए प्लस वन है, तो क्या करते हैं, क्या क्या बना डी इसका, इसका डी शायद बनता है 7a² + 16a विद अ निगेटिव साइन, यही बनता है ना डी, b² - 4ac से, तो इससे मेरे a की वैल्यू निकली
ए बिलोंग्स टू माइनस 16 बाय 7 से 0, और यहां पे ए के ऊपर कंडीशन है ए ग्रेटर देन माइनस 1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरा केस 2 से क्या देगा? व्हाट वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू पार्ट इन केस 2, क्योंकि ये केस की हेडिंग है और ये केस का सॉल्यूशन है. बहुत बार ऐसा ऐसी चीज हमने स्क्वायर रूट मॉडुलस सब में ये देखा था, केस की हेडिंग एंड केस का सॉल्यूशन. ग्रेटर देन माइनस 1 एंड माइनस 16 से 16 बाय 7 से 0, तो इससे आंसर आएगा. Am I done with the question? कि कुछ बचा है? Am I done with the question? केस ये अगर केस वन था तो इधर से आंसर निकला था शायद माइनस इंफिनिटी से माइनस वन. नहीं, मैं यही बोल रहा हूं कि दोनों का यूनियन लेने के बाद भी एम आई डन विद द क्वेश्चन. दोनों का यूनियन लेने के बाद भी एम आई डन विद द क्वेश्चन. अच्छा, अगर बचा है तो क्या बचा है? गुड आयुष. नहीं, बाकी सबका गलत है. जो बचा है वो ये बचा है, a प्लस 1 इक्वल टू 0. a प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू माइनस 1 में fx बिकम्स माइनस 3x प्लस 4a, यानी fx बिकम्स which is a line, it becomes a line, और line हमेशा negative value तो लेगी ही लेगी, तो a is equal to minus 1 भी possible है. तीन केस बने, less than 0, greater than 0 and equal to 0, यही तीन केस possible है, और ये तीन केस पूरे के पूरे मेरे questions को include करते हैं. ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर इन तीनों का यूनियन मींस मेरा आंसर है ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0. ठीक है, क्योंकि इन दोनों में माइनस 1 मिसिंग था, तो यूनियन लेते तो कंबाइन नहीं हो पाता, वो माइनस 1 यहां से आया है. गॉट इट? क्लियर अभी? एवरीवन, so this was the total question, not a difficult question, but concept clear हो, सारे cases clear हो तो हो जाएगा. तीर बेटा, a plus 1 less than 0 and d less than 0, क्यों? मैं अगर मैंने a plus 1 less than 0 लिख दिया तो चाहे d less than 0 हो चाहे d greater than 0 हो, वो इसी केस का पार्ट हो गया ना. Do I need to check separately? I do not need to check separately for d greater than 0 and d less than 0 in the first case. Isme I need to check. Isme again it becomes a line. I do not need to check anything. Theek hai? Next kare? Shall we? So, दिमाग खुला रखो सब लोग, तभी क्वेश्चंस होंगे. मतलब सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है, कुछ भी इसमें गलत नहीं था, मतलब कुछ भी इसमें वो नहीं था, कोई मेजर लॉजिक नहीं लगा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले ही लॉजिक लगे थे. क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू x square minus 4ax plus 5a square minus 6a. Find largest
डिस्टेंस बिटवीन रूट्स ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो. I have to find the largest distance between roots of 0. ठीक है, fx दे रखा है, ये 6 है, ठीक है. एक और ऐसे ही बच्चों वाला क्वेश्चन दे देता हूं. Find range of y is equal to, अलग अलग चैप्टर्स में भी पूछा जा सकता है, मैं इसमें दे दे रहा हूं, कैलकुलस में भी पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक त्रिकोण में भी पूछा जा सकता है और क्वाड्रेटिक में भी पूछा जा सकता है. तो अभी मैं इसको क्वाड्रेटिक वाले मेथड से करूंगा. फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 साइन थीटा. दोनों सिंपल से क्वेश्चन हैं, खुश करने के लिए दिए हैं, ये समझ लगे तुम लोगों को कि अच्छा ऐसे ही क्वेश्चन भी आते हैं. हाँ यूश सही है बेटा. आंसर देखें बच्चों, अभी तक इतना टाइम हो गया, सिर्फ दो लोगों के आंसर आए हैं, सही आए हैं. फर्स्ट का आंसर है 6, फर्स्ट का आंसर है 6. परमेश्वर बेटा, एक जब भी ऐसी लार्जेस्ट वार्जेस्ट पूछा जाए तो वेरिएबल में थोड़ी आ सकता है, वेरिएबल में आंसर्स नहीं आते हैं. हर्ष सही है, द आंसर इज 6. डिफरेंस ऑफ रूट्स लगाना है यहां पे, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होगी बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन दिस, क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स वुड बी अल्फा माइनस बीटा. तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाऊं. डिस्टेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाई ए आई गेस. ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, डी नहीं है. डिस्टेंस वुड बी मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है. अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाई ए होता है आई गेस, ठीक है. तो मेरे हिसाब से रूट डी, या चलो डी डी बाई ए डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू आई गेस निकलती है. ट्वेंटी 24a माइनस 4a स्क्वायर, एम आई राइट,
ये सही से निकलती है, ये कंफर्म करो। ठीक है, अब इसी की, इसको अगर मैं सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो इसमें मैं कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। 36 ऐड किया और 36 सब्ट्रैक्ट किया, मतलब 4a स्क्वायर माइनस 24a, प्लस 36। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के ही रेंज निकाली जाती है क्वाड्रेटिक वाले उसकी, या फिर सीधे सीधे इसकी रेंज अपने डिफरेंशिएशन से किसी से भी, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। इसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी सब्ट्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू, एक परफेक्ट स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, तो आंसर होगा √36 व्हिच विल गिव मी 6। ठीक है, व्हिच विल गिव मी 6। सो दिस वे अटक गया, दिस वे वी विल डू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वाला अब देखता हूं, जिन्होंने भी पहले भी आंसर दिया था वो वापस सेकेंड का आंसर दे दें, बहुत ऊपर पहुंच गया होगा। इसकी रिकॉर्डिंग शाम तक अपलोड हो जाएगी, सेम लिंक पे, सेम चैनल पे। आयुष करेक्ट है, और अभी तक किसी का नहीं करेक्ट है। मुझको इसकी रेंज निकालनी है, y इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हाँ सोमन बेटा, कोई डाउट है? The answer is minus 5 to 7, minus 5.7। बहुत गलत गलत आंसर आ रहे हैं लोगों के, ऐसा क्यों 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 क्यों? सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकालने लग जा रहे हैं क्या? चाहे एओडी की थ्योरी से करो, बहुत अलग अलग थ्योरीज यूज होती हैं इसकी। द आंसर इज माइनस 5 से 7। अगर मैंने साइन थीटा को एक्स मान लिया, अगर मैंने साइन थीटा को एक्स मान लिया, सबसे पहला काम है मैं साइन थीटा को एक्स मानूंगा, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, 2x माइनस 2x स्क्वायर। तो मेरा x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1 है, x इज नॉट अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज साइन थीटा। तो जितना जो भी मुझे ग्राफ देखना है या जो भी मुझे रेंज देखनी है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में देखनी है, विच इज माइनस 1 टू 1। एम आई राइट? तो इस ग्राफ का ए नेगेटिव है ना, तो इस ग्राफ का मिडिल पोजिशन देख लो, मतलब माइनस बी बाई 2 है। तो शायद माइनस 3/2 आता है। डज दिस लाई इन दिस इंटरवल? नो, इट डजंट लाई इन दिस इंटरवल। यानी कि जो भी मुझे रेंज देखनी है वो सिर्फ इनके एंड पॉइंट्स पे देखनी है। इसका अगर मैं ओवरऑल ग्राफ बनाने जाऊं, ये माइनस 3/2 पे,
हाईएस्ट वैल्यू आ रही होगी, मैंने वाई का कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है, मुझे जो रेंज मिलेगी वो इस ग्राफ पे मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस वन से लेके x इज इक्वल टू वन पे. दिस इज माई ओनली ग्राफ पोर्शन, नॉट माई होल क्वाड्रेटिक. तो x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो आई गेस आएगा 7, और x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो आई गेस आएगा माइनस 5. तो 7 से लेके माइनस 5, यानी y की वैल्यू इस पर्टिकुलर इंटरवल में माइनस 5 से 7 होगी. अभी क्लियर है? जिनका भी गलत आंसर आ रहा था, बहुत लोगों का गलत आंसर आ रहा था, कुछ लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ लोगों की कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकती है. लास्ट क्वेश्चन करें. शैल वी डू लास्ट क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है ना? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, सब लोग चले गए क्या? नहीं है, दो तीन ही गए हैं अभी, बाकी सब है. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किया होगा. फाइंड रेंज ऑफ 4x2, रिविजन करके आए होगे तो बहुत आराम से हो जाएगा. फाइंड रेंज ऑफ दिस. याद है ना क्वेश्चन सबको? ग्रेट. हाँ सही बोल रहे हैं, जो लोग भी मुझको बोल रहे हैं सही मेथड बोल रहे हो. हिंट वही है, इक्वल टू वाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की रेंज निकालते हैं. करो, मुझको आंसर चाहिए, चैट पे आंसर देना. ठीक है, एवरीवन मुझको चैट पे आंसर दो. चलो 2 मिनट है, 2 क्या 3 मिनट है. चलो
देखा जाए देखा जाए ओके आंसर्स आयुष सही है बेटा हर्ष सही है y belongs to all real numbers y belongs to all real numbers गलत कैसे आ सकता है बाकी सबका it is a simple step 4x equal to y करेंगे cross multiply करेंगे सबको एक साथ ले आ जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको एक साथ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 4 माइनस 12 वाई एक्स का कोफिशिएंट होगा 36 माइनस 8 वाई 9 माइनस वाई इक्वल टू जीरो ठीक है अब इस फॉर एक्स टू बी एनी रियल नंबर द डी ऑफ दिस हैज टू बी ग्रेटर देन एक्चुअली इक्वल टू जीरो भी कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो इसका डी 36 माइनस 8 वाई का होल स्क्वायर माइनस 36 माइनस 8 वाई का होल स्क्वायर माइनस तो इससे शायद इक्वेशन जो बनती है मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूं कंफर्म करना मुझको सब कुछ कैंसिल कट कुट के y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 72 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंफर्म करो यही बनती है हाँ तीन लोगों ने कंफर्म कर दिया तो गलत तो होगी नहीं सो दिस इज द इक्वेशन जो बनी और इस फॉर दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसको अगर वेवी कर्व इनइक्वालिटी से सॉल्व करने जाएंगे तो इसका डी नेगेटिव नेगेटिव बनता है इसका डी नेगेटिव है तो इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे अगर कोई भी रूट्स नहीं होंगे तो इसका वेवी कर्व हमेशा एक्स एक्स मतलब हमेशा नंबर लाइन के ऊपर होगा तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वेवी कर्व की इनइक्वालिटीज की थ्योरी वापस से रिवाइज कर लेना ऑल रियल नंबर्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों करते हैं क्योंकि एक्स आर रियल नंबर्स x belongs to real number उसके लिए एक quadratic equations के solutions real number इस वजह से होते हैं जब उसका d greater than equal to zero हो तो this is the step by step process और ये वाला step सबको याद होना चाहिए जो हम लोग wavy curve inequality में करते हैं अगर जैसे x square plus x plus 1 greater than zero इसका solution क्या होता है d negative है a positive है तो ठीक है ग्रेट अगर अगर यही क्वेश्चन ये होता तो ए पॉजिटिव है डी भी पॉजिटिव है तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन होता नल सेट ठीक है चलो अगेन बोल दे रहा हूं मैं परसों थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म करेंगे पहले एक घंटे में एक वन एंड हाफ आवर जितना भी टाइम लगे देन वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज तो सीक्वेंस सीरीज में एपी जीपी एचपी एंड एजीपी जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो सबको पता होनी चाहिए ठीक है सीक्वेंस सीरीज का बाकी थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कल टेस्ट होगा एंड डू द शीट्स आल्सो चलो मिलते हैं मोस्टली जहां तक मैंने पढ़ाया है उतना ही टेस्ट में पूछूंगा मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे की थ्योरी आ सकती है बट मोस्टली वुड बी बेस्ड ऑन दीज थ्योरीज लेकिन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू क्योंकि रिवीजन चल रहा है ठीक है किसी को इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है थ्योरी के नोट्स में रिवाइज कर लेना
क्लियर हो जाएगा. डी ग्रेटर देन जीरो क्यों करते हैं? क्योंकि ये एक्स आर रियल नंबर. फॉर एक्स टू बी रियल नंबर द डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी पॉजिटिव. चलो बाय एवरीवन.